कृषि क्षेत्र में कमाई पाने के लिए अच्छा उत्पादन के साथ साथ बेहतर बाजार मिलना जरूरी है, तब जाकर किसानों को अच्छी कमाई होती है। पर खासकर सब्जियों के सीजन में ऐसा होता है कि कोई सब्जी की आवक बाजार में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। ऐसे समय में किसान के पास अगर विकल्प होता है तो वो उस सब्जी का भंडारण करा देते हैं और जब भी फसल के दाम अच्छे मिलते हैं उसे बाजार में लाकर बेच सकते हैं। इसी तरह प्याज के साथ भी होता है। कई बार ऐसा हो चुका है कि किसान प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण इसे सड़क पर फेंक कर प्रदर्शन करते हैं और कई बार प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में अगर प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था हो तो किसानों को इसका पूरा फायदा मिल सकता है। उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी और उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे। प्याज के भंडारण के लिए ये जरूरी रहता है कि भंडारण ग्रह तय मापदंड में ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आलू प्याज जैसे उत्पादों के लिए भंडारण की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को भंडार गृह बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा 50 मेट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण पर सब्सिडी हेतु किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के सभी जिलों के किसानों के लिए नश्वर उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा खराब होने वाले उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्याज के भंडारण निर्माण पर सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडारण गृह पर 50% तक का अनुमान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की तरफ से 50 मेट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 रुपये की लागत निश्चित की गई है। इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। प्याज के लिए भंडारण घर खोलने के लिए फिलहाल राज्य के सभी जिलों के किसान अनुदान लेने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। लाभ देने के लिए एक पोर्टल पर जानकारी दी गई है तो दूसरा लक्ष्य अतिरिक्त प्रदाय किया गया है। दोनों ही लक्ष्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के कुल 351 किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के 267 किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य जारी किया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक राज्य के सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 सितंबर 2021 के दिन सुबह 11 बजे से कर पाएंगे आवेदन। जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुसार ही आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन देने पहले किसान भाई इससे जुड़े दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।